हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं सूजी और गेहूं के आटे के लड्डू बना रही हूँ देसी घी के साथ। तो चले फिर, लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के लिए एक जैसे कप ले रखे हैं और इन कप में है एक कप सूजी है और 2 कप ये गेहूं का आटा है और 1 कप में घी है, देसी घी, और 1 कप में दूध है, बॉईल किया हुआ दूध। आप चाहे तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम घी डाल देंगे। घी हम आधे से ज़्यादा घी डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। तो घी गरम हो गया है, इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी हम पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि सूजी फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और जो आटा है वो जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे जो सूजी है वो फ्राई हो गई है, अब इसमें हम गेहूं का आटा है उसे ऐड कर लेंगे। तो दोनों कप हम गेहूं का आटा है उसे हम डाल देंगे यहाँ पे और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमें सूखा लग रहा है तो घी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सारा घी हम डाल देंगे यहाँ पे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। तो यहाँ पे घी पूरा हो गया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके, और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो अब जो दूध है उसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेंगे, इससे क्या होगा जो सूजी है वो हमारी फूल जाएगी। इस तरीके से हमने इसमें जो दूध है वो डाल दिया है और थोड़ा बचा है इसे भी हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। तो अब ये जो दूध है वो सूजी ने सारा अब्सॉर्ब कर लिया है और ये हमें ऐसे ही चाहिए, दानेदार चूरमा की तरह। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम चीनी ले लेंगे, चीनी हम 3 कप लेंगे क्योंकि 3 कप हमने आटा और सूजी लिया था। तो इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे और 4 ये इलायची ले रखी है इसे भी इसी के साथ ग्राइंड करेंगे। आपके पास पाउडर हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीनी है उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब जो हमारा आटा और सूजी है वो भी ठंडा हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो चीनी है इसे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मीठा आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी जो चीनी थी मैंने ग्राइंड की हुई वो मैंने सारी डाल दी है इसमें और हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी की मात्रा को यहाँ कम लगे तो आप यहाँ घी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं इसके। तो इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे और टाइट मुट्ठी में बंद करके अच्छे से ताकि वो टूटे ना। तो यहाँ हमने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार करेंगे। इसमें घी ज़्यादा ही होना चाहिए तभी ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। इस तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर देंगे। यहाँ हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं और इसे इसका जो साइज़ है इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। तो यहाँ मैंने सारे लड्डू तैयार कर दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं शशि जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।